झारखंड में बनेंगे नए प्रखंड। विधानसभा में सीएम हेमंत सोरेन ने की घोषणा। कहा, राज्य में सर्वे का काम चल रहा है, जरूरत के हिसाब से बढ़ाई जाएगी प्रखंडों की संख्या। झारखंड में प्रखंडों की संख्या बढ़ाई जाए, इसके लिए राज्य में सर्वे कराएगी सरकार। घर घर जाकर लोगों से उनकी परेशानियां जानेगी, इसके बाद प्रखंडों का निर्माण किया जाएगा। इसकी घोषणा गुरुवार को सीएम हेमंत सोरेन ने विधानसभा में की। जेएमएम विधायक लोविन होमरम की तरफ से ध्यान आकर्षण के दौरान उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि हम लोगों की जो भौगोलिक स्थिति व काफ़ी उतार चढ़ाव वाला है, प्रखंडों के बीच में काफ़ी दूरियां हैं, इससे लोगों को परेशानी होती है। सीएम ने कहा कि राज्य में 5 से 7 पंचायत के भी प्रखंड हैं। स्टाफ नर्स के लिए बंपर भर्तियां। मेडिकल और नर्सिंग के क्षेत्र में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रांची ने स्टाफ नर्स के पदों पर भर्तियां निकाली। इसके तहत 370 भर्तियां की जाए। इच्छुक उम्मीदवार 30 अप्रैल 2021 से पहले आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की शुरुआत तारीख 16 मार्च 2021 है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल 2021 है। झारखंड में मौसम 20 मार्च तक रांची में छाए रहेंगे आंशिक बादल, बारिश के भी हैं आसार। आज गढ़वा और लातेहार में 40 डिग्री पहुंच सकता है तापमान। झारखंड के मौसम में परिवर्तन जारी। पहले सप्ताह में जहां तेज गर्मी रही, तो दूसरे सप्ताह हुई बारिश ने गर्मी से राहत दी। पिछली 2 दिनों से एक बार फिर जहां पारा तेजी से ऊपर भाग रहा है, वहीं सप्ताहांत में एक बार फिर से बारिश और बादल के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 20 से 22 मार्च तक झारखंड के उत्तर पश्चिम, मध्य और दक्षिण भागों में आंशिक बादल के साथ बारिश के आसार हैं। हालांकि इस दौरान तापमान में ज़्यादा के बदलाव के आसार नहीं। वहीं अगले 2 दिनों तक गर्मी से लोगों को कोई राहत नहीं मिलने वाली। इस दौरान राज्य में सबसे ज़्यादा गर्मी गढ़वा और लातेहार में पड़ने की संभावना है। गुरुवार को यहां का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने की संभावना है। महिला हॉकी चैंपियनशिप। राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप के खिताब पर हरियाणा ने जमाया कब्जा। सिमडेगा के एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप के फाइनल मैच में मेजबान झारखंड और हरियाणा की टीमों के बीच कांटे की टक्कर हुई। अपेक्षाकृत मजबूत मानी जा रही हरियाणा की खिलाड़ियों का झारखंड की बेटियों ने जमकर जवाब दिया। उन्होंने गोल पोस्ट पर हमले किए, पेनाल्टी कॉर्नर भी मिला, लेकिन टीम उसे गोल में नहीं बदल पाई। निर्धारित समय में गोल नहीं होने पर पेनाल्टी शूट आउट और सडन डेथ का सहारा लिया गया, जिसमें हरियाणा की साक्षी राणा ने गोल दागकर अपनी टीम को जीत दिलाई। इधर झारखंड टीम की कोच प्रतिमा वारवा ने कहा कि झारखंड टीम ने अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन किया। विधायक ने सदन में की मांग। अम्बा प्रसाद ने पत्रातु की जड़ सड़कों का मुद्दा उठाया। बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र की कांग्रेस विधायक अम्बा प्रसाद ने विधानसभा सत्र के दौरान पत्रातु की सड़कों की बदहाली से सदन को अवगत कराया, साथ ही सड़कों के जल्द से जल्द निर्माण कराने की मांग रखी। उन्होंने सदन में पत्रातु प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न जर्ज स्थिति में पहुँच चुके सड़कों समेत नई सड़कों के निर्माण की आवाज़ बुलंद की। उन्होंने सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए संकुल से पत्रातु अंचल को जोड़ने वाले पथ पत्रातु बस्ती होते हुए पत्रातु बाजार तक की सड़कें, संकुल से खैरा मांझी को जोड़ने वाली पथ पालू रोड से भय मध्य विद्यालय संकुल होते हुए रेलवे क्रॉसिंग और दामोदर श्यामसन घाट तक सड़कों की जिक्र किया और अविलंब बनाने का कालीकरण करने की मांग उठाई।
चिट फंड घोटाला बंगाल की कंपनी के फरार निदेशक पति पत्नी लखनऊ से गिरफ्तार। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने करोड़ों की चिट फंड घोटाले के आरोपी ग्लोबल इफ्रन एनर्जी लिमिटेड के डायरेक्टर साकेत बनर्जी और उसकी पत्नी कमलजीत बनर्जी को लखनऊ में गोमती नगर से गिरफ्तार किया। बीते काफ़ी समय से पति पत्नी फरार चल रहे थे और CBI दोनों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही थी। 15 सितंबर 2017 को झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर CBI ने ग्लोबल इंफ्रा एनर्जी कंपनी और उसके डायरेक्टर्स के खिलाफ धोखाधड़ी गबन की गंभीर धाराओं में FIR दर्ज कराई थी। निदेशकों को बड़े लाभ का झांसा देकर करोड़ों की ठगी का आरोप ग्लोबल इंफ्रेन एनर्जी लिमिटेड पर है। आसानसोल पश्चिम बंगाल की कंपनी ग्लोबल इंफ्रेन एनर्जी लिमिटेड पर पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार समेत कई राज्यों में हजारों लोगों से ठगी करने के आरोप हैं। केस दर्ज करते ही CBI आरोपियों को ठिकाने पर दाविश दे रही थी। रेलवे में नौकरी के नाम पर बाप बेटे ने किया बड़ा फर्जीवाड़ा, लाखों रुपये लेकर बांटी फर्जी आईडी, दो महीने तक सैलरी भी दी। नॉर्थ रेलवे में TC की नौकरी दिलाने के नाम पर बोकारो के 6 महिला पुरुषों से 40 लाख रुपये की ठगी की गई। ठगी के शिकार सेक्टर 12A आवास संख्या 3318 निवासी अभिलाषी की शिकायत पर सेक्टर 12 थाने की पुलिस ने बुधवार को प्राथमिकी दर्ज की है। मामले में जमशेदपुर की गोविंदपुर स्थित दयाल सिटी अपार्टमेंट निवासी रोहित कुमार व सुमंत कुमार को आरोपी बनाया गया। दोनों आरोपी पिता पुत्र हैं। सूचक के अनुसार बेंगलुरु में रोहित से उसकी दोस्ती हुई थी। उसने रेलवे में नौकरी दिलाने की बात कही, फिर आरोपी पिता से बात कराया, जिन्होंने केंद्रीय रेल मंत्री के कोटे से नौकरी दिलाने के नाम पर 5 लाख रुपये की मांग की। रुपये देने के बाद रोहित उसे लेकर दिल्ली के पहाड़गंज स्थित DRM कार्यालय गया। वहां नौकरी के लिए फॉर्म भरवाए, सभी कागजात जमा कराए। कुछ दिन बाद बोला, मंत्री कोर्ट में 5 और लोगों की ज़रूरत है, अगर वह बेरोजगार युवाओं को लाता है तो एक साथ सभी को ज्वाइनिंग हो जाएगी। झारखंड में कोरोना फिलहाल काबू में, जरूरत पड़ी तो सरकार उठाएगी ये बड़े कदम। CM सोरेन ने बताया प्लान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ देश के मुख्यमंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक के बाद प्रोजेक्ट भवन में मीडिया से कहा कि झारखंड में कोरोना संक्रमण की स्थिति नियंत्रित है। यही स्थिति कायम रखने के लिए सरकार कदम बढ़ाएगी, बड़े कदम उठाने पड़े तो भी उठाएंगे। रांची में आवागमन अधिक है, यहां टेस्टिंग बढ़ाई जाएगी। एयरपोर्ट की तरह रेलवे में भी कोरोना जांच की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि झारखंड में पहले से ही एहतियात बरती जा रही है। 8वीं से नीचे के स्कूल बंद रखे गए, कहीं पर भी 1000 से अधिक जमावट की अनुमति नहीं दी गई है। जुलूस को प्रतिबंधित रखा गया है। कुछ मिलाकर वही बात दोहराई जा रही है कि हमें सतर्कता बनाए रखनी होगी। इस विषय पर कुछ कड़ाई के साथ आगे बढ़ना होगा। CM सोरेन ने राज्य में के 3.25 करोड़ लोगों से अपील करते हुए कहा कि वैश्विक बीमारी कोरोना अभी भी हमारे आसपास घूम रही है, इसलिए सतर्क रहें और मुंह में मास्क लगाएं, भीड़भाड़ ना लगाएं, भीड़ वाले स्थान पर जाने से बचे। CM सोरेन ने कहा कि झारखंड में इस समय 550 कोरोना संक्रमित केस है, इसमें से 325 रांची और जमशेदपुर में, करीब 90 केस हैं। इन शहरों में दूसरे राज्यों से आवागमन तेज से होने के कारण संक्रमण के मामले अन्य जिलों की तुलना में अधिक हैं। वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।